तो इसके बाद 12th केमिस्ट्री का मैं एक आपको विशेष टॉपिक सॉल्व कराऊंगा। आज देखिए 12th केमिस्ट्री का एक विशेष टॉपिक, ध्यान देना आप। 12th केमिस्ट्री का जो सेकंड है पार्ट, उसमें पूरा का पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो पहला चैप्टर है ना, वो एरिल हैलाइड और एल्किल हैलाइड के बारे में है। और इस वाले चैप्टर में एक बहुत ही विशेष टॉपिक दिया गया, डाइएजोनियम साल्ट। देखिए क्या होता है, कंडीशंस क्या है, सब कुछ बढ़िया से चेक करेंगे। तो मेन टॉपिक का नाम रखा जाएगा डाइएजोनियम साल्ट फॉर्मेशन। डाइएजोनियम साल्ट का निर्माण किस प्रकार से होगा, हम लोग इसको कवर करेंगे आज। देखिए तो ये है क्या चीज, कैसे बनेगा। तो स्टार्टिंग है कि आपको किसी भी एमिन, एलिफैटिक या एरोमेटिक एमिन ले लीजिए। तो एरोमेटिक एमिन लेते हैं हम लोग। एरोमेटिक एमिन का मतलब ये होता है कि बेंजीन का रिंग रहेगा, देखिए ये, और यहाँ पर रहेगा NH2, तो ये एरोमेटिक एमीन है। और इसको एनिलीन भी कह देते हैं, ध्यान दीजिए इसका नाम है एनिलीन। और इस एनिलीन की क्रिया हमको करानी है HNO2, और इसको बोलते हैं नाइट्रस एसिड। देखिए इसका नाम होता है नाइट्रस, ना कि नाइट्रिक, ये है नाइट्रस एसिड। और इसकी क्रिया कराएंगे हम लोग किसी एसिड, मान लीजिए HCl है, HBr है, उनके प्रेजेंस में, क्योंकि हमको साल्ट चाहिए होता है। इनके प्रेजेंस में जब क्रिया कराएंगे तो टोटल जो आपका रिएक्शन होगा वो बन जाएगा बेंजीन N2+ एंड Cl-। देखिए अब ये जो यहाँ पर फॉर्म हुआ है ना, प्लस और माइनस के फॉर्म में, इसी को बोलते हैं डाइएजोनियम साल्ट, जो कि इसका नाम होगा, ये तो क्लोराइड है, तो डाइएजोनियम क्लोराइड, तो एक साल्ट बन गया। ये बहुत ही खास पॉइंट है, तो ये तो आसान है, याद कर लेंगे इसको। इसका मैकेनिज्म चेक करते हैं, वो बहुत ही खास चीज है। देखिए चेक करते हैं कि इसका मैकेनिज्म क्या है, किस प्रकार से डाइएजोनियम साल्ट का निर्माण होता है, ये बात सीखते हैं। देखिए तो स्टार्टिंग में मैं पॉइंट वन ले रहा हूँ यहाँ से। ये तो अपने पास एनिलीन है, अच्छा एनिलीन, चलो ठीक, दिखा देते हैं इसको। एनिलीन है यहाँ पर, देखिए यन एंड सिंगल बॉन्ड एच और सिंगल बॉन्ड एच। अब चूंकि इसकी क्रिया हम लोग कराएंगे एच एन ओ टू से, एक बार एच एन ओ टू की संरचना मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। देखिए एच एन ओ टू की संरचना अगर आप देखेंगे तो ये होता इस प्रकार से है, एन डबल बॉन्ड ओ एंड सिंगल बॉन्ड ओ और सिंगल बॉन्ड एच, और इसके पास एक लोन पेयर होता है, इलेक्ट्रॉन का जोड़ा, इसको लोन पेयर कहते हैं। ये टूटेगा यहाँ पर बॉन्ड, देखिए चूंकि टूटता कैसे है इस प्रकार से, जहां पर तीर जाएगा वहां पर माइनस आता है और यहाँ पर आ जाएगा प्लस। तो फाइनल क्या हुआ कि ये टूटेगा तो ओ एच माइनस देगा, और प्लस देखो ये एन ओ, एन ओ प्लस देगा, ये बहुत ही खास चीज है। तो आप एच एन ओ टू नाइट्रस एसिड तोड़ दे कैसे हैं, ओ एच माइनस और एन ओ प्लस। अब जो एन ओ प्लस हमको मिला है उसको यहाँ पर ला करके यूज करेंगे, ध्यान दीजिए एन डबल बॉन्ड ओ और यहाँ पर है प्लस। अब देखिए इस प्लस के साथ, ये इस प्लस के साथ इस एन से बॉन्ड बनाएगा, और जब प्लस के साथ एन से बॉन्ड बनाएगा तो क्या होगा, बेंजीन का रिंग जो यहाँ पर उसको आप रखेंगे सेम टू सेम, ये है और सिंगल बॉन्ड एन था, सिंगल बॉन्ड एच और सिंगल बॉन्ड एच, देखिए ये बॉन्ड बन जाएगा। तो मैं नए बॉन्ड को दिखा रहा हूँ ऐसे, फिर देखिए क्या होगा, बॉन्ड बन गया और एन यहाँ पर है और डबल बॉन्ड ओ है, चूंकि ये प्लस था तो प्लस साथ में आता है, प्लस इस एन पर चलाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। और इस प्लस को हमको हटाना है, कैसे हटाओगे, इस प्लस को हटाने के लिए हमको इस बांड को तोड़ देना है। देखो जहां पर तीर जाएगा माइनस चार्ज, जहां से टूटेगा प्लस चार्ज। क्या करेंगे आप, इस प्लस को इस माइनस से कटा सकते हो, ये कट जाएगा, और कटने के बाद क्या बनेगा, आप उसको पॉइंट नंबर टू देखिए, बेंजीन का रिंग रहेगा सेम रखेंगे आप, और यहां पर आ जाएगा अपने पास यन। देखिए ये एच तो निकल जाएगा बाहर, तो इस एच को प्लस के फॉर्म में यहाँ पर दिखा दे रहे हैं, लेकिन एक नीचे एच रह जाएगा,
और यहाँ पर सिंगल बॉन्ड बन जाएगा, चूंकि ये सिंगल बॉन्ड बन गया यंग, और यहाँ पर हो जाएगा डबल बॉन्ड ओ। अब क्या करेंगे आप, अब क्या कर सकते हो, ये जो बॉन्ड है आप इसको तोड़ेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस और यहाँ पर आ जाएगा प्लस। और चूंकि एच है तो एच को ये इधर टूटेगा, इधर आ जाएगा माइनस और यहाँ पर आ जाएगा प्लस। अब देखिए एच प्लस जो है ना वो जाएगा ओ माइनस के पास और जुड़ जाएगा। तो क्या करेंगे आप, पहले तो बेंजीन का रिंग रखिए जो था एकदम सेम टू सेम रखना आप। क्यों हो गया बेंजीन का रिंग, और यहाँ पर आएंगे यन, यहाँ पर क्या होगा सिंगल बॉन्ड एक था ये एक है और ये बचेगा एक। अब ये प्लस और ये माइनस दोनों मिल जाएंगे तो एक नया बॉन्ड बन जाएगा, डबल हो गया, और ये जो प्लस है ना वो इस ओ के पास आएगा और ये बन जाएगा एच। सब कुछ बैलेंस है, कुछ हुआ नहीं, ये डबल बॉन्ड उठ करके, ये डबल बॉन्ड जो था ये इसमें से एक सिंगल बॉन्ड उठ करके यहाँ पर चला आया, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड बन गया ये देखो, और यहाँ पर एच जो था वो चला गया ओ के पास, ये बन गया। अगले स्टेप में क्या करना हमको, ये जो एच प्लस एक बचा था, देखिए अभी अपने पास एक एच प्लस यहाँ पर बचा हुआ है, इस एच प्लस को यूज कर लेते हैं। देखिए पॉइंट नंबर थ्री, उस एच प्लस को यूज करेंगे किस प्रकार से, बेंजीन का रिंग यहाँ पर आप रख दीजिए, यन है और डबल बॉन्ड यन है, यहाँ पर आ जाएगा ओ एच, और इस एच प्लस को उठा करके लाएंगे, इस ओ से जोड़ देंगे क्योंकि प्लस साथ में है तो आएगा। अब इस प्लस को हटाएंगे कैसे आप, यहाँ पर बॉन्ड तोड़ दीजिए, इधर आ जाएगा प्लस और यहाँ पर आ जाएगा माइनस, तो क्या होगा। अब ऐसे में बेंजीन का रिंग है यहाँ पर, ये हो जाएगा यन और इधर हो जाएगा डबल बॉन्ड एन, चूंकि यहाँ पर आ जाएगा प्लस और प्लस H2O जो है वो बाहर हो जाएगा यहाँ से निकल करके, जो कि प्लस माइनस कट जाएंगे इसके, ये हो गया। अब ये आ गया पूरा प्लस के फॉर्म में, बस अपने पास HCl था, उस HCl को यहाँ से क्रिया करा दीजिए, जैसे आप HCl से क्रिया कराओगे तो ये टूट जाएगा H प्लस और Cl माइनस, और जो Cl माइनस है वो इस यानी प्लस से आकर के मिल जाएगा, और जब मिलेगा तो क्या होगा देख लीजिए, ये था बेंजीन का रिंग और यहाँ पर हो जाएगा यन डबल बॉन्ड एन प्लस एंड Cl माइनस, तो ये बन गया अपना डाइजोनियम साल्ट। ये एक बहुत ही खास है और बहुत ज्यादा अपक्रिया भी दिखाता है, तो टोटल आपका जो अपक्रिया था वो कुछ इस प्रकार से था। देखिए यहाँ पर डाइजोनियम साल्ट का फॉर्मेशन किस प्रकार से होता है, ये टोटल प्रोसेस है, आप इसको रिवाइज कर लीजिए। और आगे अब क्या होगा, इतना होने के बाद मैं आपको दिखा रहा हूँ कि अब क्या करेंगे आप। देखिए अब क्रिया तो इतना हो गया, मैं इसको एक साइड कर दे रहा हूँ जिससे आपको दिखता रहे, तो ये था अपना टोटल अपक्रिया। अब क्या करेंगे, तो इसके बाद जो हमको मिला है कंडीशन, देखिए ये मिला था डायजोनियम साल्ट, मैं यहां से उठाऊंगा इसको, यहां पर लाते हैं जी, ये था अपना इस प्रकार से N डबल बॉन्ड N प्लस और प्लस Cl माइनस मिला था। अब आप इसकी क्रिया करा देंगे H2O से, H2O से कराओगे तो ये टूटेगा और देगा H प्लस एंड OH माइनस। अब यहाँ पर क्या करना, आपको इस बॉन्ड को आप तोड़ दीजिए, यहाँ पर इधर बेंजीन के रिंग पर आ जाएगा प्लस और यहाँ पर आ जाएगा माइनस। अब ये प्लस माइनस मिल जाएंगे तो बॉन्ड बन जाएगा। अब यहाँ पर छेड़ना आपको, जो OH माइनस वाला है ये आकर के जुड़ जाएगा इस बेंजीन के रिंग से, देखिए क्या होगा, बेंजीन का रिंग जो है चूंकि इस पर प्लस चार्ज है तो ये जो ओ एच माइनस से जुड़ जाएगा आकर के, तो यहाँ पर हो जाएगा ओ एच प्लस। देखिए यन है, दो बॉन्ड तो पहले से थे, अभी एक माइनस एक प्लस आ गया तो एक नया बॉन्ड बन जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड हो गया, बचा सीएल है और यहाँ पर बचा है एच, दोनों मिल जाएंगे और ये बन जाएगा एचसीएल। तो कुल मिलाकर क्या बन गया, ये इसको आप लिख सकते हो N2, और ये जो है ना इसको बोलते हैं फिनॉल,
इस प्रकार से ये अपक्रिया दिखाता है। देखो नाइजोनियम साल्ट था, किस प्रकार से कितना अच्छा अपक्रिया दिखाएगा, किसी से भी क्रिया कराओगे N2 जो होगा वो बाहर निकल जाएगा। तो ये जो टोटल अपक्रिया है ये था डायजोनियम साल्ट फॉर्मेशन, किस प्रकार से निर्माण होता है। और खास क्यों है, चूंकि ये तीन जगह मिलेगा आपको, तीन जगह कहाँ मिलेगा, एक तो पहले पार्ट में है और एक दूसरे पार्ट में एल्कोहल वाले चैप्टर में भी ये मिलेगा। और इसके लिए एक चैप्टर अलग से है एमीन, और एमीन में एक बड़ा सा हेडिंग दिया है डाई एजोनियम साल्ट, तो वहां पर टोटल कहानी है। मतलब कि ये जो बोर्ड एग्जाम के बेस बहुत ही खास है, ये टॉपिक था पूरा, आप इसको रिवाइज कर लीजिए आ जाएगा।